हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स। तो उसमें आपको सबसे पहले नंबर्स 1 से 20 की बुक लेनी है। उसमें आज हम क्या करेंगे, तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको पेज नंबर 8 ओपन करना है। पेज नंबर 8 पर हमें क्या दिया है, नंबर 4 काउंट एंड फिंगर्स। देखो यहाँ पर आपको ये जो फिंगर दिए हैं वो काउंट करेंगे। कितनी फिंगर दी है, चलो आपको भी मेरे साथ काउंट करना है। 1, 2, 3 एंड 4। कितनी फिंगर्स दी है हमें, 4 फिंगर्स दी है। और ये नीचे कौन सा नंबर है, नंबर 4। तो बच्चों आपको नंबर 4 लिखना तो आता है, आता है ना। हमने पहले नोटबुक में लिखा था, फिर हमने जो माय मैथ बुक थे उसमें भी लिखा था, तो आज हम ये नंबर्स के बुक में लिखेंगे। तो देखो आपको यहाँ पर बताया गया है कि नंबर 4 हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम स्लैंटिंग लाइन करेंगे, यहीं से जॉइंट स्लीपिंग लाइन और बीच में स्टैंडिंग लाइन करेंगे। तो कौन सा नंबर बनेगा हमारा, नंबर 4। तो इसी तरह से आपको ये नंबर 4 ट्रेस करना है। देखो यहाँ पर ये जो आपको डॉट दिया है वो आपको अच्छे से ज्वाइंट करना है। देखो आपको धीरे धीरे ये डॉट ज्वाइंट करते जाना है अच्छे से। तो कौन सा नंबर बनेगा हमारा, नंबर 4। कौन सा नंबर बनेगा बच्चों, वेरी गुड, नंबर 4। नंबर 4 लिखना तो कितना इजी है, आपको तो आता ही है, आता है ना बच्चों। नंबर 4 लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे पता है आपको, आपको आता है। चलो एक बार मैं फिर से बताती हूँ हम नंबर 4 कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले स्लैंटिंग लाइन करेंगे, यहीं से जॉइंट स्लीपिंग लाइन करेंगे और बीच में छोटी सी स्टैंडिंग लाइन करेंगे। तो कौन सा नंबर बना हमारा, ये नंबर 4। तो उसी तरह से आपको ये नंबर 4 ट्रेस करना है। याद रखना बच्चों, आपको बोलते हुए ही लिखना है ताकि आप सबको याद रहे कि हम कौन सा नंबर लिख रहे हैं, नंबर 4। आपको भी मेरे साथ ऐसे ही बोलते जाना है और लिखते जाना है, नंबर 4। देखो इस तरह से आपको बोलते जाना है और लिखते जाना है। देखो ये हमारी ड्रेस वाली लाइन तो कंप्लीट हो गई ना बच्चों, आपकी भी हो गई होगी। आप भी मेरे साथ लिख रहे थे ना बच्चों। अब हम नीचे खुद से लिखेंगे, तो नंबर 4 हम कैसे लिखेंगे, चलो मैं आपको फिर से बताती हूँ। देखो स्लैंटिंग लाइन करेंगे सबसे पहले, यहीं से जॉइंट स्लीपिंग लाइन, बीच में छोटी सी स्टैंडिंग लाइन करेंगे। तो हमारा कौन सा नंबर बनेगा, नंबर 4 बनेगा हमारा। देखो आपको इस तरह से नंबर 4 बनाना है। बच्चों आपको बोलते जाना है और लिखते जाना है ताकि आप सबको याद रहे कि हम कौन सा नंबर लिख रहे हैं, वेरी गुड, नंबर 4। आता है ना बच्चों आपको नंबर 4 लिखना। तो इसी तरह से आपको नंबर 4 लिखना है। देखो कितना इजी है हमारा नंबर 4, है ना बच्चों। याद है आपको कि हम कौन सा नंबर लिख रहे हैं, वेरी गुड, नंबर 4। तो देखो बच्चों मेरा ये पेज नंबर 8 तो कंप्लीट हो गया 4 नंबर लिखकर। अब हम पेज नंबर 9 देखेंगे। तो पेज नंबर 9 पर हमें क्या दिया है बच्चों,
चलो तो हम देखते हैं काउंट एंड कलर कितने बॉल्स है। सबसे पहले हम काउंट करेंगे 1, 2, 3 और 4। कितने बॉल्स हुए? 4 बॉल्स हुए। और ये कौन सा नंबर है? 4। तो देखो बच्चों, आपको कलर करने में तो बहुत ही मज़ा आता है, आता है ना बच्चों? तो आपको ये 4 बॉल्स में कलर करना है। तो आपको कलर होमवर्क में कंप्लीट करना है, आपको 4 बॉल्स में कलर करना है। आप अपनी पसंद का कलर कर सकते हो। नीचे हमें क्या दिया है? नंबर 4। तो सबसे पहले हम नंबर 4 ट्रेस करेंगे। आता है ना बच्चों आपको नंबर 4 लिखना? हमने अभी अभी पेज नंबर 8 पर नंबर 4 लिखा है, उसी तरह से आपको पेज नंबर 9 पर भी नंबर 4 लिखना है। देखो आपको ये जो डॉट दिया है वो धीरे धीरे और अच्छे से जॉइंट करना है। देखो बच्चों, हमारी ड्रेस वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई ना बच्चों? आपकी भी हो गई होगी, आप भी मेरे साथ लिख रहे थे। नीचे हम खुद से लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले स्लेंटिंग लाइन करेंगे, यहीं से जॉइंट स्लीपिंग लाइन, बीच में छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। कौन सा नंबर है हमारा? नंबर 4। तो उसी तरह से आपको नंबर 4 लिखकर ये पेज कंप्लीट करना है। आता है ना बच्चों आपको नंबर 4 लिखना? कैसे लिखेंगे हम? चलो एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कैसे लिखेंगे नंबर 4 हम। सबसे पहले स्लैंटिंग लाइन करेंगे, यहीं से जॉइंट स्लीपिंग लाइन करेंगे, बीच में छोटी सी स्टैंडिंग लाइन करेंगे। तो कौन सा नंबर बना हमारा? वेरी गुड, हमारा बना नंबर 4। तो बच्चों आपको भी मेरे साथ ऐसे ही बोलते जाना है और लिखते जाना है। अब हम नीचे दे लिखेंगे नंबर 4 कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो स्लैंटिंग लाइन करेंगे, यहीं से जॉइंट स्लीपिंग लाइन, बीच में छोटी सी स्टैंडिंग लाइन करेंगे। कौन सा नंबर बनेगा हमारा? वेरी गुड, नंबर 4। तो इसी तरह से बच्चों आपको मेरे साथ बोलते जाना है और लिखते जाना है। कौन सा नंबर है ये बच्चों, याद है आपको? वेरी गुड, नंबर 4। देखो अब ये मेरा पेज तो कंप्लीट होने वाला है, ये लास्ट लाइन है, आपका भी कंप्लीट होने वाला होगा। आप भी मेरे साथ लिख रहे थे ना बच्चों? कौन सा नंबर है हमारा? नंबर 4। देखो बच्चों, हमारा नंबर 4 लिखकर कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आज हमने क्या किया? आज हमने नंबर 4 लिखा, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 पर हमने नंबर 4 लिखकर कंप्लीट किया। तो बच्चों आपको नंबर्स की ये जो बुक है उसमें आपको पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 नंबर 4 लिखकर कंप्लीट करना है। तो बच्चों आपको होमवर्क में क्या मिला है आपको पता है? होमवर्क में आपको ये बॉल्स में कलर करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।